Hello students, how are you? I hope you all are doing well and taking care of yourself. Today we are going to do a poem, The Kite, which is from Hani book, grade 6. The Kite All of us like to fly kites. Have you ever tried to fly one? रीड दिस पोएम अबाउट काइट एज इट फ्लाइज़ इन द स्काई इस पोएम को पढ़ते हैं पढ़ पढ़ो और इसमें देख देखेंगे कि जो पतंग है वो कैसे आसमान में उड़ती है यानी जब हम जब हवा में पतंग उड़ती है तब यह कैसी लगती है तो इस चीज़ को पोएट ने अपने जो पूरे जो उसके विचार हैं उसको एक्सप्रेस किया है एक काइट की पूरे ओपन स्काई में खुले आसमान में वो कैसे उड़ती है चलिए इसको पढ़ते हैं हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज काइट वैन इट्स न्यू यानी जब हम कोई नई पतंग लाते हैं और उसे ब्लू आसमान में उसे उड़ाते हैं तो वो ऐसी लग, वो बहुत ही सुंदर लगती है और बहुत ही चमकीली लगती है वेदर डाइव एंड एंड इट स्नैप्स इट स्टील और कभी वो हवा में ऊपर जाती है कभी वो नीचे आती है यानी डिप मीन्स होता है गहराई में जाना और डाइव मीन्स होता है ऊपर की तरह गोते खाना यानी जब पतंग उड़ती है तो आसमान में तो वो क्या होती है जब हम उसे उड़ाते हैं तो वो कभी नीचे को आती है और कभी वो ऊपर को जाती है विद दैन शो लाइक अ शेप विथ ओनली आ सन और तब ऐसा लगता है मानो कोई जो शिप है कोई जहाज जो है वो समुद्र में क्या कर रहा है तैर रहा है या फिर गोते खा रहा है एज ओवर टाइट्स ऑफ विंड इट्स राइट्स जैसे कि समुद्र में क्या होता है जब हवा आती है तो उसकी जो लहरें होती हैं वो ऊपर नीचे करती हैं आपको आपने देखा होगा वैसे ही ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान में जो पतंग है वो हवा हवा के वेग से वो क्या कर रही है गोते खा रही है और ऊपर नीचे जा रही है क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गेस्ट एंड पुल और यानी जब क्या होता है वो ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रही है हवा शिव क्या कर रही है हिचकोले खा रही है और कभी वो ऊपर की ओर जा रही है और कभी वो नीचे की ओर ऐसी चल रही है ऐसा लग रहा है देन सीम्स टू रेस्ट एज फॉल्स और जब हवा थोड़ा सा स्थिर होती है यानी रुक जाती है तो वो ऐसा लगता है कि वो भी थोड़ा सा क्या कर रही है रेस्ट कर रही है और थोड़ा सा आराम कर रही है एंड देन सी वेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इट बैक और जब उसका थोड़ा सा जो हम जो धागा होता है उसका हम जब खींचते हैं तो वो ऐसा लगता है कि दोबारा से वो क्या है विंड में यानी विंड दोबारा से चल गई और वो दोबारा से ऊपर की ओर बढ़ने लग जाती है एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज ब्लो और तब तक वो दौड़ती रहती है कि जब तक क्या होता है दूसरी जो नई हवा है या दूसरी हवा ऊपर उसे क्या कर रही है उसे ऊपर की ओर कर रही है या उसे जब तक कि दूसरी हवा नहीं चलती है तब तक ऐसा लगता है कि वो बहुत तेज़ी से क्या कर रही है उड़ रही है एंड इट्स विल एंड अप इट्स कोज और ऐसा लगता है कि जो उसके उसके क्या है पंख लगे हुए हैं जब हम दोबारा से डोरी खींचते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे उसके जो पंख हैं वो लगे हुए हैं और उसे ऊपर की ओर उड़ा रहे हैं यानी वो फिर से उड़ती हुई ऊपर की ओर चली जाती है ऊपर की ओर बढ़ते रहती है हाउ ब्राइट ऑन द ब्ल्यू इज अकाइट वैन इट्स न्यू और कितनी वो सुंदर कितनी चमकीली लगती है वो नीले आसमान में जब वो पतंग क्या होती है वो बहुत नई होती है यानी जब हम नई पतंग उड़ाते हैं बट अ थिंग यू हैव विल सी वैनिट फ्लैप्स ऑन स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री यानी और वो कह रहे हैं पोएट की सबसे बुरी बात तो तब होती है जब कोई हमारी जो पतंग है या तो उसे काट देता है या फिर हम थोड़ी सी क्या करते हैं धागे को स्ट्रिंग मतलब होता है धागा उसको हम ढील दे देते हैं पतंग को तो वो क्या हो जाती है वो अपना आप ही नीचे आ जाती है या फिर कट जाती है हम कह सकते हैं और वो पेड़ के टॉप में फंस जाती है आपने देखा है और उसमें फिर हमें क्या होता है देखो बच्चों को कितना बुरा लगता है जब उनकी पतंग कट जाती है या किसी की भी कोई पतंग काट देता है या फिर वो ढील देने के कारण खुद ही नीचे आ जाती है और किसी पेड़ में अटक जाती है तो आपने देखा बच्चों ये कितनी सुंदर ढंग से जो हमारे पोएट हैं उन्होंने इस अपने विचार जो बताए हैं पतंग के लिए कि वो कैसे कैसे मतलब किस किस रूप से हमें वो लगती है कभी है वो हमें समुद्र में ऐसा लगता है कि सेल कोई जो शिप है वो तैर रही है कभी उसे लग, और कैसे वो अपनी जो टेल है पूछ को हवा में जो ऊपर नीचे जा रही है तो कैसे उसकी जो पूँछ है वो लहरा रही है तो कितनी सुंदरता उन्होंने इस पोएम में दिखाई है और कैसे मतलब एक नई जो काइट है जब हम आसमान में उड़ाते हैं वो किस किस ढंग से हमें दिखाई देती है और ये हमें इस 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 पोएट में इस पोएम में पोइट ने डिस्क्राइब किया है आई होप आपने इस पोएम को इन्जॉय किया होगा और इसे आपको लर्न भी करना है और इसे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे भी ओके माय डियर स्टूडेंट